बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज चांद रात है। जी हाँ, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ्रेंड्स के लिए मैं चांद रात का स्पेशल गिफ्ट लेकर आऊँ। तो मैंने आपके लिए ये देखे झुमके, प्यारे प्यारे झुमकियाँ लेकर आई हूँ। आप लोगों के लिए मैं मिठाई लेकर आई हूँ। मेरी तरफ से सब आप मिठाई खा लें, ठीक है, और ईद की खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। ये देखें, आप सबके लिए मैं मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। तो आप मिठाइयाँ खाएँ, अच्छे अच्छे अपनी खुशी का इजहार करें और नफ़रतों को ख़त्म कर देंगे। देखिए, मैं आपके लिए बैंगल्स भी लेकर आई हूँ। तो आपने क्या करना है, ईद पर बैंगल्स पहननी है, आपने ज्वेलरी अच्छी अच्छी पहनी है, मिठाइयाँ बांटनी है, जो आपके रिलेटिव्स आए आपने उनको मिठाइयाँ देनी है। मैंने चॉकलेट्स भी आप लोग के लिए रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। चांद रात है और मुझे पता है अब मेरी सारी फ्रेंड बाज़ारों को निकल गई होंगी और चूड़ियाँ लेने के लिए निकल गई होंगी। तो आप चूड़ियाँ लेने जा रहे हैं तो आपने मिठाई भी लाजमी लेकर आनी है और चॉकलेट्स भी लेकर आनी है, और ये आपने पैक करके अपनी फ्रेंड्स को देनी है जिनसे आप नाराज़ हैं, और उनसे अब आपने राज़ी हो जाना है, वो आपकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, आपने अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहनी है ईद पर। आप ने इस तरह से बेशक टसल वाली आप चूड़ियाँ पहन लें, आप लोग को सिंपल चूड़ियाँ पसंद है आप वो पहन लें, आपको अगर उस पर हुई होती है लेस की कोटिंग हुई होती है अगर आपको वो चूड़ियाँ पसंद है आप बेशक वो पहन लें। तो आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह से पहनी है। जी हाँ, आप मुझे ये भी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको मिठाई में सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है। जी हाँ, मुझे तो रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर लोगों को रसगुल्ला पसंद नहीं होता, लेकिन मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रसगुल्ला हो और मैं हूँ तो बस ना पूछें। कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को बर्फ़ी पसंद होती है और ज़्यादातर को गुलाब जामुन पसंद होता है, लेकिन मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। आई लव रसगुल्ला। तो आप लोगों ने मिठाई भी लेकर आनी है और ये अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी है जो आपसे ईद मिलने आएंगे, ठीक है। और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो हैं आप लोगों ने आप इसमें बांटनी है, अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करना है एक दूसरे के साथ। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और ये देखिए, मैं आप लोग की अपनी फ्रेंड्स के लिए झुमकियाँ लेकर आई हूँ, इतने प्यारे प्यारे इयर रिंग्स लेकर आई हूँ। तो आप लोग अभी शॉपिंग के लिए निकल रहे होंगे तो आप लोग ये वाली इस तरीके की अगर आपको मिल जाए तो सेम डिज़ाइन ना हो बेशक, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो, इस तरह की आप झुमकियाँ ले लें, आप चूड़ियाँ लें, प्यारी प्यारी जाकर मेहंदी लगवाएं। मैं भी मेहंदी लगाने लगी हूँ बस सबको, ठीक है। जैसे ही चांद नज़र आया है, हमने टीवी पे देखा है कि चांद नज़र आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया था मेरी शामत आ गई है, तो अब मैंने वीडियो बना के मैंने इसके बाद सबको मेहंदी लगानी है। तो जी हाँ, इस तरह की आपने झुमकियाँ ले लेनी है, मेहंदी लेकर आएँ जल्दी जल्दी। और अगर आपने मेहंदी लगानी है तो जिस जिसको लगानी है आप मेहंदी लगाएं, और अगर आपने मेहंदी लगवानी है तो जल्दी जल्दी पार्लर जाएं या अपनी बहनों के पास, मदर के पास, खाला, चाची, फूफो, जिससे भी आपने मेहंदी लगवानी है जल्दी जल्दी लगवाएं, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ये देखिए, कितनी प्यारी प्यारी झुमकियाँ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ। और आपको मैं दोबारा से एडवांस में ईद मुबारक कहती हूँ, और मेरी दुआ है कि इस ईद हम सब के लिए ये खुशियाँ लेकर आए और हम हमेशा खुश रहें और कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे नेकलेस भी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी बाजार जाने लगे हैं तो आपने लाइट से नेकलेस लेकर आने हैं। इस तरह से आप पेंडेंट लेकर आ सकते हैं, जिस तरह ये सिर्फ हर्ट बने हो, स्टार बने हो, इस तरह से ला सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी हैवी वाली पसंद है तो आप इस तरह की हैवी वाली लेकर आ सकते हैं। आप ऐसा करें ना, अपने आप जो झुमके हैं उनको ज़रा हैवी रख लें और जो आपका नेकलेस है उसको आप ज़रा लाइट रख लें, तो उस तरह से आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे हैं नेकलेस और पेंडेंट और इतने प्यारे प्यारे इयर रिंग्स हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों को मैं दोबारा से एडवांस में ईद मुबारक कहती हूँ, और मेरी दुआ है कि सब इस ईद पर बहुत 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 ज़्यादा खुश रहें, आमीन सुमा आमीन, और अपनी खुशियाँ अपने प्यारों के साथ बांटते रहें। जी हाँ, ये देखें किस तरह से मैं मेहंदी के डिज़ाइन लेकर आई हूँ, चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, एक बास्केट में डाली हुई हैं।
तो आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ, और आप बास्केट लेकर भी आइएगा, बाजार जा रही हैं अभी, तो लाजमी बास्केट भी लेकर आइएगा, और उसमें आप चूड़ियाँ डाल के दें, मेहंदी डाल के दें, और चॉकलेट्स डाल के दें, और मिठाई भी डाल दें, आपकी सब फ्रेंड्स खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आप बास्केट लें, उसके अंदर आप रोज़ भी डाल के दे सकती हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने ये देखिए चॉकलेट्स का इस तरह से बाजार से मिल जाता है, आपने ये भी ले सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एडवांस में ईद मुबारक।